भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर काली मंदिर के समीप आज 9 बजे के करीब दोस्तों ने ही विजय यादव के बेटे इंटर के छात्र सागर यादव को घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में उसे मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर सिटी SP शुभम आर्या दरबल के साथ अस्पताल पहुँचे और मामले की जानकारी मृतक के परिजनों से ली। परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सागर के कई दोस्त से पहले झगड़ा हुआ था, आज घर के पास ही उसे गोली मार दी गई। मृतक के भाई प्रत्यक्षदर्शी मुकेश ने बताया कि बगल के ही अजय मंडल के बेटे पुतुल ने सागर को गोली मारी है, साथ ही उसको भी गोली मारने की धमकी दी। CTSP शुभमारिया ने बताया कि 5 लोगों पर आरोप लगा है। मामले की जाँच किया जा रहा है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोली चलाया पितुल कुमार, अजय मंडल का बेटा, महेशपुर का। तीन आदमी था, नाम बता नहीं। तीन, एक था, नाम खोल के नहीं बता रहे हैं, नाम बता खोल के। एक था अंजेश कुमार, एक था पितुल, और वो तीसरा नाम अरविंद कुमार, अरविंद यादव। यही ऐसे कुछ हुआ होगा तो पैसा कौड़ी का बात में था, तो बोला कि पैसा कब देगा तुम, तो उसी बोलता है नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो उसी बोलता है तो की करबे, तो वो कट्टा तान के सीधा ऊपर फायरिंग कर दिया। सबसे पहले मेरे पर किया, तब उस पर वो जो सटा उस पर सीना पे गोली मार दिया। वो गोली पितुल कुमार था। आज दिनांक 22 तारीख को लगभग 11 बजे ये सूचना मिली है कि एक लड़के को, जिसकी उम्र करीब सागर यादव इसका नाम बताया जाता है और उम्र करीब 17 वर्ष है, इसको गोली मारी गई है। गोली मारने में एक ही गोली मारने का अभी तक पुष्टि हुई है, जिसमें 5 लोगों का अभी नाम सामने आ रहा है और उसमें आगे की जाँच जारी है। मामले की जांच अभी करके हम पता लगा पाएंगे कि क्या ये पहले के अपराधी हैं या फिर इनमें कोई फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसे काम किया है, तो किस तरह के अपराधी हैं, और अगर कोई और ऐसा आता है कि कोई षड्यंत्र के तहत ये ऐसे बहुत ही नामित अपराधी हैं, बहुत ही काफ़ी बार ऐसा काम किए हैं, कुख्यात अपराधी हैं, तो उन पर हम लगाने के लिए फिर एक तरह से अभियान चलाएंगे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।